गाइस, आजकल बैकग्राउंड एडिटिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बैकग्राउंड को रिमूव करना नहीं जानते हैं। और बहुत कोई ऐसे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, जो कि बैकग्राउंड को रिमूव करना है, एडिटिंग करना और टोटली चीज़ जानते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इजी ट्रिक, कोई भी ज़्यादा इरेज उरेज ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ट्रिक और HD में बैकग्राउंड एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैकग्राउंड इरेजर, ये इस ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको प्ले स्टोर पर फ्री मिल जाएगा और इस ऐप को आप बिना डेटा के चला सकते हो। सो मैंने इसे ऑन कर लिया और यहाँ पर आप क्लिक करके फ़ोटो ले सकते हो। सो मैं कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, मैं ये फ़ोटो लेता हूँ। इस फ़ोटो को आप यहाँ पे क्लिक करके डन कर सकते हैं। सो मैं डन कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं, ये जो ये है मैनुअल है, इसे आप क्लिक करके ओके डन। आप जो ये रेड वाला देख रहे हो, यहाँ पे हम हाथों को पकड़ कर इस तरह से इसे इरेज कर सकते हो। अब चाहो तो इसे जूम भी कर सकते हो। अभी रुकिए दोस्तों, ज़रा देखिए तो सही अभी क्या क्या देख रहा है। सो इस तरह से आप इरेज कर सकते हो। एंड ऑटो, यहाँ पे आपको ऑटो जो दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर सबसे ज़्यादा इजी ट्रिक से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जहाँ पे जाना है वहाँ पे छोड़ देना हाथों को। मुझे यहाँ करना है, ले लिया और मैंने छोड़ दिया। ये अपने आप कलर को चॉइस करके और रिमूव करता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो गया, तो मुझे यहाँ पे रिमूव करने के लिए रिपेयर का ऑप्शन यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसे बिठा सकता हूँ। मैं यहाँ से रिपेयर साइज पर क्लिक करके यहाँ पे जो है, यहाँ से मैं इसे छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। और उसके बाद आता है मैजिक। मैजिक पर आप क्लिक कर कुछ नहीं आपको करना, आपको बस जूमिंग में लेना और फिर आपको साइड से लेना और आपको इस तरह से आप इरेजर कर सकते हो। इसे ट्रिक कोई भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं लगती है। मुझे सबसे अच्छा ऑटो लगा, आपको कौन सा लगा रिमूव करने वाला। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस तरह से क्लिक करता हूँ। ये काफ़ी इजी और मुझे बहुत बेहतरीन लगा। सो आप इस तरह से इरेज कर इस तरह से और बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बॉडी पर है। सो मैं रिपेयर पर क्लिक करके मिटा सकता हूँ इसी ट्रिक से, बिना कोई इधर लफड़ा के, बिना कोई मेहनत के। सो ये काफ़ी अच्छा ऐप से आप इसे डाउनलोड कर लें। और ये बहुत ही कम MB का है, लगभग 6 MB का है। और यहाँ पे आप डन पर क्लिक करके सेव कर सकते हो। ओके, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।